तो फ्रेंड्स ये देखिए, हम जिस दिन शाम को आए थे सैटरडे की इवनिंग मॉल, तो उस दिन का ये क्लिप है, मैं ऐड कर रही हूँ आज के ब्लॉग में। और ये देखिए शिवी किस तरीके से घूम रही है, और यहाँ पे सेंटा का हाउस पूरा डेकोरेट हो रखा है, क्रिसमस के सेलिब्रेशन के लिए तैयारी हो रखी है। तो इसी हिसाब से यहाँ पे शिवी बिल्कुल भी गोद में नहीं थी, वो सब बच्चों को देख रही थी, क्योंकि बच्चे वहाँ पे थे, तो वो देख कर कह रही थी कि मुझे उतार दो। तो मैंने कहा चलो उतार देते हो, शूज़ जो है उसका गाड़ी में एक पैर का उतर गया था, तो दूसरा मैंने फिर अपने बैग में डाल लिया था उतार के, तो उसने सॉक्स डाल रखा था। मैंने कहा चलो ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये प्लेइंग एरिया है बच्चों का, जो कि हर मॉल में आजकल होते ही हैं, बहुत सारे राइड्स लगे होते हैं बच्चों के हिसाब से, और यहाँ पे कार छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें। ये मॉल देखिए कितना प्यारा डेकोरेट हो रखा है, मैं उतना फिर भी क्लिप नहीं ले पाई, कैप्चर नहीं कर पाई, बट ये बहुत ही प्यारा था। देखिए मैं जूम करके दिखा रही हूँ, यहाँ पर ये क्रिसमस का सेलिब्रेशन के लिए पूरा ये हाउस एक जो है इन्होंने डेकोरेट कर रखा है, साथ में सेंटा लगा रखा है, एनिमल्स गिफ्ट्स, क्रिसमस ट्री लगा रखा है, तो बहुत सारी चीज़ें डेकोरेट यहाँ पे कर रखी हैं। और बहुत ही ये बहुत ही क्यूट था, लोग यहाँ पे टिकटॉक बना रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल विद शिवी। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और मिस्टर आ जाओ, क्यों छुप रहे हो? आ जाओ आ जाओ। और आज ये शर्ट शिवी ने निकाल के दी ना, कैसे दी? उसके फेवरेट हो गई है, पता नहीं क्या। तुम ये पहन लेते ना तो बस खुशी में। और शिवी भी ने भी नाई नाई कर ली है, हम सब ने नाई नाई कर ली है। क्या हुआ शिवी ने? शिवी को चिप्स दो बहुत खुश हो जाती है, घर की चिप्स देनी चाहिए, मगर आलू की चीजें बच्चों को पसंद आती है। अच्छा, बच्चों को आलू जल्दी पसंद आता है ना, कॉमन चीज है या जो भी है। और अभी थोड़ा बहुत बिस्तर विस्तर जो हमारा बेड वगैरह तहस नहस हो रखा है। हाँ, टी शर्ट कैसे? ये स्वेटर है ना, वो इन कर रखी है मैंने, तो ये ऊपर स्वेटर पहना दिया है, क्योंकि नहा कर आने के बाद बच्चे थोड़े ठंड हो जाती है। और शिवी का देखो शैम्पू होता है तो बाल तुरंत घुंघराले घुंघराले, पूरे हफ्ते चोटी में रहती है। और संडे जो है, संडे संडे हम इसका शैम्पू करते हैं, क्योंकि ठंड बहुत है, शैम्पू करने में कितना रोती है, कितना रोती है विक्रम। बाल जो बड़े हो गए ना, पहले स्टार्टिंग के घुंघराले, पर बात के सही है उनके बाद नहीं, आगे से तो ठीक है, पीछे से देखो पूरे घुंघराले, जहाँ मुड़ते रहे ना वहाँ घुंघराले। मेरे भी देखो पहले बहुत घुंघराले थे, अब तो घुंघराले एकदम। आप शेविंग कर लो, करेंगे शेविंग ना। मेरा पति चाय बन गई है, चाय मतलब दूध डालना है। ये शिवी का सैलेड मंगवा लिया है, खैर शिवी ने खा पी लिया है, बट फिर भी छोटी मोटी चीज बच्चों को खिलाते रहना चाहिए, कि ताकि इतना भी ऊपर रख दो, मेरी हाइट कम हो गई है, ये सैलेड का डिब्बा ऊपर रख दो, फिर बाद में इसको फिल करके करूंगी। रख दो, रिफिल नहीं करना, अभी रख दो, डिब्बा ऊपर रख दो। पति को जो पहले बोलो ना वो तो डेफिनेटली नहीं करना। और अभी मैंने बाल इसलिए खोल रखे हैं क्योंकि मेरे बाल थोड़े बहुत सूखे हैं, थोड़े बहुत नहीं सूखे हैं, तो कुर्ती डाली थी, तो मैंने कहा स्वेटर डालने का मन नहीं है, यही डाल लेती हूँ। और हम जा रहे हैं चाय के साथ, ये मैंने बॉईल किया, बस फटाफट इसको छील करके। और मूंगफली डालू या मटर डालू? हरी मटर, मूंगफली डालो, मूंगफली फेवरेट है इनकी, तो ये फटाफट बना करके और चाय के साथ खाने में बहुत मजा आता है, बहुत ही अम्मी लगता है, हरी मिर्च के साथ और जीरा के साथ सिंपल तड़का, और बहुत टेस्टी लगता है। और मैं कुछ भी खा लेगी तो मजा आ जाएगा, तो मिलते हैं हम थोड़ी देर में। तो जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं, शिवी अपना कटोरी चम्मच गिलास ये सब, और साथ में चेयर पे कटोरी रखी है, खुद नीचे बैठी है और खेल रही है, बच्चे ऐसे ही खेलते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ जैसे लाइक मैं कटोरी में कुछ भी खाने को दे देती हूँ, तो वो कटोरी वो वापस नहीं करती। संडे था आज और कल सैटरडे था, कल मैंने क्लिप लगाई है स्टार्टिंग में ही, आप लोगों ने देख ली होगी अभी तक, तो वो हम मॉल गए थे तो वहां पे घूमने उमने, तो वो मैंने पहले वाले वीडियो में निकली, क्योंकि वीडियो लंबी लंबी होती है तो फिर जल्दी कोई देखता नहीं, फिर मुझे लगता सबका नेट पैक के अकॉर्डिंग वैसे बनाना होता है। तो मैं जा रही हूँ चाय बनाने शाम की, क्योंकि मैं बाहर मार्केट से आई हूँ, बहुत ठंडी हवा चल रही थी, अच्छा हवा शिवी को नहीं लगी, हम हस्बैंड वाइफ एक घंटा तो बैठ के एक दूसरे का मुंह ताग रहे थे कि कौन जाएगा मार्केट, इन्होंने कहा आप चले जाओ, मैं मार्केट जाना था बेसिकली सब्जी लाने के लिए, क्योंकि पूरे हफ्ते की सब्जी एक ही बार आती है, आई थिंक गैस इन्होंने यहाँ से बंद कर रखी है। हाँ, मेरे मिस्टर अगर गैस पे कुछ भी काम
करते हैं, फिर हम पूरा सिलेंडर ही बंद कर देते हैं। हाँ, तो मार्केट से फेवरेट मूंगफली और ये वाली जो गचर के कौन कौन खाता है बताना, ये गुड़ और मूंगफली वाली मुझे बहुत पसंद है तो मैं इस बार लेकर आई हूँ अपने लिए, क्योंकि ये थोड़ा नहीं खाते हैं। और मैं पे लगा देती हूँ क्योंकि खाने में फिर क्या होता है, इजी होता है, ढूंढने में ज्यादा वो नहीं होता। और इसको मैं इस लगा देती हूँ बस। तो फिर बस ऐसे ही ठंड में दिन कट रहे हैं और चाय बहुत पसंद आती है ठंड में, मजा आ जाता है चाय पीने में। और मैं लाई हूँ समोसे, तो मैंने कहा चलो चाय समोसे हो जाते हैं। और रात का खाना सिर्फ दाल चावल और आलू की भुर्जी बनेगी, क्योंकि दिन में भी थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे खाते खाते खाना भी सब कुछ हैवी हो गया था, तो हमें लगा कि नहीं अभी समोसे खा लेंगे तो और हैवी हो जाएगा। और दाल चावल बहुत दिनों से नहीं खाया, मतलब हमने दाल रोटी बीच में बना के खा ली थी दो बार, और क्या बनाया था खिचड़ी बना, मतलब तहरी बना ली थी, बट दाल चावल नहीं खाया, तो दाल चावल की बात ही अलग होती है। और गर्मा गर्म अरहर की दाल उसके साथ चावल, और मुझे मंगवाना है राशन क्योंकि मेरे घर में चीनी भी खत्म हो गई है, बहुत सारी चीजें खत्म हो गई है। तो पहले मैं नोट कर लूं आराम से, और पालक लेकर आई, पालक को तोड़ के रख लूंगी आज रात में ही, क्योंकि दाल चावल बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, तो फटाफट वो बन जाएगी। और इस वक्त क्रिसमस पे बाप रे क्या डेकोरेशन हो रखी है हाय हाय मॉल में। मैं आप लोगों ने देखा ना वो बहुत ऑसम, वो वेगस मॉल है, द्वारका का वेगस मॉल है, तो वहां पे बच्चों का ना प्लेइंग एरिया भी ओपन, शायद वो कह रहे हैं कि लाइसेंस मिल गया तो 25 दिसंबर को ओपन हो जाएगा, अदरवाइज टाइम लगेगा। तो लेट्स सी कि क्या होता है, बट 25 दिसंबर में आप लोगों का क्या प्लान है। मैं तो अपने बच्चे को, मैंने हमेशा से ये सोच रखा है कि अभी तो शिवी छोटी उतनी समझदार नहीं है, बट जब भी वो स्कूल जाएगी या समझदार होगी, जब भी उसका एक लेवल आता है बच्चों का कि डेवलपमेंट ग्रोथ होती है कि हाँ अब उसे समझ में आने लगा है, तो मैं उसे कभी भी कोई भी फेस्टिवल में ये नहीं कहूंगी कि बेटा वो इसका है वो उसका है ये इसका है। होली दिवाली हमारी है, ईद मुसलमानों का है, और मुहर्रम मुसलमानों का है, और ये क्रिसमस क्रिश्चियन का है, ऐसा नहीं। मैं चाहती हूँ कि सारे फेस्टिवल्स प्यार से वो सेलिब्रेट करें, उसे पता ही नहीं चले कि कुछ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ होता भी है, वो सिर्फ एक इंसान जाने के एक इंसान होता है, ये सारे फेस्टिवल हमारे यहाँ सेलिब्रेट होते हैं, वो अच्छे से सेलिब्रेट करें। तो क्रिसमस पे कहीं बाहर वहां वैसे दूर जाने का तो कोई ऐसा प्लान श्लान नहीं है, क्योंकि आपको पता है दिल्ली और हमारी देश में सब माहौल क्या हो रखा है, बहुत ऐसा हो रखा है कि उस वक्त जो पॉलिटिकली चल रहा है ना वो पॉलिटिकली ही पार्टी संभाल सकती है। और कभी कभी देखकर दुख लगता है कि यार लोग पुलिस को मार रहे हैं, और क्या मतलब वो कभी कभी हमारे लिए पूरी रात ठंड हो या गर्मी हो या कैसी भी सिचुएशन हो, कभी भी आकर वो हमारी सेफ्टी के लिए खड़े हो जाते हैं, और अगर हम पब्लिक उनको ही मारेगी तो फिर क्या फायदा, फिर कुछ नहीं फायदा ना, फिर वो कब क्यों हमारी सेफ्टी करे, किस लिए करे। तो ये थोड़ा समझने वाली बात, आपकी ही सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, किसी और की सेफ्टी के लिए नहीं कर रहे हैं। देखो ना कि जो फौजी लोग होते हैं बॉर्डर पे खड़े होते हैं, कितनी भी ठंड पड़ जाए, बर्फ पड़ जाए, कुछ भी पड़ जाए, कितनी भी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बट वो नहीं हिलते अपनी जगह से, वो अपनी ड्यूटी करते हैं। हम तो एक बार भी अगर कुछ ऐसा होता है तो ऑफिस से छुट्टी ले लेते हैं, हमारे हस्बैंड या हम लोग जब भी ऑफिस जाते हैं हमारे पास ऑप्शन होते हैं। कभी कभी ऐसी चीजें सिचुएशन आ जाती है कंपनी छुट्टी कर देती है, बट इनके लिए तो छुट्टी कुछ नहीं है ना, तो उस चीज की रिस्पेक्ट करो। अगर आज हम अच्छे से खा रहे हैं पी रहे हैं खड़े हैं घूम रहे हैं आजादी से, तो कहीं ना कहीं उनका भी बहुत बड़ा हाथ है हमारे सब उसके लिए, देश के लिए, तभी हम अच्छे से फ्रीडम हमें मिली हुई है। तो सारे मिलके मनाइए, सारे फेस्टिवल मनाइए, भेदभाव मत कीजिए, और अच्छे से रहिए, अच्छे से खाइए। और फेस्टिवल मनाना मतलब कि एक घर में थोड़ी सी खुशी आ जाती है, हैप्पीनेस हो जाता है, माहौल काफी पॉजिटिव हो जाता है, बस यही होता है, और अच्छा लगता है कोई एक दूसरे से अगर मिलता है उस टाइम पे। तो यहाँ पे मेरे घर के आसपास कोई चर्च नहीं है, नहीं तो मैं चर्च जरूर जाती हूँ क्रिसमस के दिन, बट आसपास नहीं है, है मगर दूर है। उस दूर के लिए ये कह रहे हैं कि अभी दिल्ली का माहौल ऐसा है कि उस एरिया में अभी उतना दूर जाना ठीक नहीं है। शिविका आपने गेम देखा था कैसे खेलने लगी, चाय बन गई, मैं जा रही हूँ चाय समोसे और हस्बैंड के साथ शेयर करने, और हस्बैंड जो अभी कुछ काम कर रहे हैं, और बस
उसके बाद देखना है बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस में आएगा तेरी जैसी लड़की कैसी लड़की, वो जरूर देखना है कि वो सिद्धार्थ ने इतना बोला है। लिखना है क्या क्या लाना है क्या क्या नहीं लाना। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग क्रिसमस में कहाँ जा रहे हैं घूमने, क्या करने वाले हैं, कुछ नया करने वाले हैं, तो प्लीज मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा ताकि मैं भी कुछ सोचूं कि क्या करूं। अभी तो 2 दिन है मगर फिर भी क्रिसमस के लिए 2 या 3 दिन है, 25 को तो है ही, तो देखना है। और क्रिसमस के दिन छुट्टी है हस्बैंड की, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ नहीं होगा। तो अभी दबंग यार प्लीज आप लोगों में से प्लीज ये जरूर बताना, किसी ने दबंग देख ली है दबंग 3, तो प्लीज मुझे ये बताना कि कैसी है, उसका रिव्यू देना, मुझे देखने जानी है। बट सैटरडे संडे हम इसलिए नहीं जाते, फर्स्ट जब वीकेंड का जब जिस टाइम पे रिलीज होती है उस टाइम पे उस वीकेंड में हम बिल्कुल नहीं जाते क्योंकि बहुत रश होता है, तो शिवी की वजह से नहीं जाते। तो हम सोच रहे हैं वीक डेज में या वीकेंड में भी जाते हैं तो पहले मूवी का एक रिव्यू पता लग जाए तो मजा आता है। तो आप लोगों में से जिसने भी देखी प्लीज बताइए कि दबंग कैसी है, कैसी कैसी है, क्योंकि मुझे सलमान खान की मूवी बहुत। नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फैमिली एंड फ्रेंड्स में। तब तक के लिए बाय।